डायरेक्ट सेलिंग की इस टेक्निक में पहला स्टेप था स्टॉप सेलिंग, मैंने आपकी सेलिंग रुकवाकर आपको सेकंड स्टेप दिया। सेकंड स्टेप क्या था? स्टार्ट हेल्पिंग एटलीस्ट 4 पीपल इन ए डे, एक दिन में कम से कम 4 लोगों की सहायता करना। उसी की कंटिन्यूटी है अभी तक। थर्ड स्टेप, नाउ स्टार्ट सेलिंग, उस पर पहुंचने वाले हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, मेरा पहला प्रोस्पेक्ट एक आर्मी ऑफिसर था। सुबह 9 बजे का टाइम, 9:10 पर मैं उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैंने बेल की, वो आर्मी ऑफिसर मुझे कहते हैं, जस्ट गो बैक। मैंने कहा, सर क्या हुआ? सर इंडिया है, यहां पर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ भी लेट हो जाए बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं तो केवल 10 मिनट लेट हुआ हूं। वो कहने लगे, नहीं, मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं खरीद सकता हूं। मैंने कहा, सर मुझे बताइए तो सही, मेरा करियर शुरू होने वाला है, आप मेरे पहले प्रॉस्पेक्ट हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई करियर। वो कहने लगे कि TS मदान, इस समय तो आपको वापस जाना ही होगा। हां, क्योंकि मैं आपका पहला प्रॉस्पेक्ट हूं, इतनी फेवर कर सकता हूं कि कल के लिए दोबारा अपॉइंटमेंट दे दूं। मैंने कहा, ओके सर, मुझे कल के लिए अपॉइंटमेंट दे दीजिए और मैं ऑन टाइम पहुंचने का प्रॉमिस करता हूं। नेक्स्ट डे 9 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की गई। मैंने भी सोच लिया कि अब लेट नहीं होना है, पूरी प्लानिंग कर ली, मार्जिन रख लिया, रास्ते में कहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पर मेरा बाइक पंक्चर हो सकता है, कोई भी रीजन ना बने, इसलिए मैंने पूरा मार्जिन रख के सुबह 6 बजे ही उठने की तैयारी कर ली। जब मैं 6 बजे उठा, टू माय सरप्राइज, बाहर बहुत तेज बरसात हो रही थी और मैंने देखा सड़कों पे पानी भरा हुआ है, शायद पूरी रात बरसात हुई होगी। और उन दिनों में, अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, उन दिनों में मेरे पास कार नहीं थी, ना ही कोई बाजारों में टैक्सीज और ऑटो रिक्शास का रिवाज था, जाना तो बाइक पे था। इतनी बरसात में कैसे जाऊंगा? तो मुझे डर लगना शुरू हो गया कि यह भी अपॉइंटमेंट या तो लेट होगी या कैंसिल होगी, और दोनों ही केसेस में मेरा नुकसान तो है। पर मैंने सोच लिया कि मैं अपने करियर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, पूरी प्लानिंग की, अपने दिमाग में एक सिस्टम तैयार किया कि किस तरह से मैं 9 बजे से पहले उनके पास पहुंच सकता हूं। और पूरे 9 बजे मैंने उनकी बेल दबा दी। वो आर्मी ऑफिसर बाहर आए, पहले अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा, और फिर हो रही बरसात की ओर देखा। TS मदान, वंडरफुल, हाउ कम, आप कैसे पहुंच गए 9 बजे? मैंने कहा, सर बाइक पे। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी बरसात में आप एकदम साफ सुथरे कपड़ों में, वो कैसे पहुंच गए? मैं कहा, सर गीले कपड़े मेरे बैग में हैं। मैंने क्या किया था, मैं घर से एक नाइट ड्रेस में निकला, मैंने फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स अपने बैग में डाल लिए और उनके घर बाहर पहुंच गया। बाहर बरामदे में 15 मिनट मैंने लगाए, गीले कपड़े बैग में वापस डाल दिए और फ्रेश कपड़े पहन के पूरे 9 बजे मैंने बेल दबा दी। माय डियर फ्रेंड्स, आप अंदाजा लगा सकते हो, 50% सेल्स यहां पर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे 50% मार्क्स तो शायद मिल ही चुके थे। मुझे अपने रूम के अंदर लेके गए, अपने फैमिली मेंबर्स को मेरे बारे में बताया कि देखो कि आज किस ढंग से यह पहुंचा है। मैंने कहा, सर मुझे यह बताइए, कल आपने वापस क्यों भेजा? कल भी तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते थे। जो उन्होंने मुझे कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो बार बार सुनना, क्योंकि हर क्लाइंट, हर कस्टमर
हर ग्राहक इसी तरह से ही सोचता है जैसे मुझे उन्होंने बताया था। अब क्या कहने लगे, टीएस मदान मुझे इतना बताओ कि अगर आप मुझे पॉलिसी बेच जाते तो क्या आपको उसमें से कोई इंसेंटिव, कोई कमीशन मिलनी थी? मैंने कहा यस सर, मेरी हर सेल में मुझे इंसेंटिव है, मुझे कमीशन है। कहते ओके, नाउ कल को अगर मेरी डेथ हो जाती और डेथ क्लेम बन जाता और उसका जो क्लेम का चेक देने आते तो क्या उसमें भी आपको कमीशन मिलनी थी? मैंने कहा नहीं सर, डेथ क्लेम में कमीशन्स और इंसेंटिव्स नहीं होते हैं, वो तो सेवा है। तो उन्होंने कहा यही कारण था, जिस दिन आप कुछ बेचने आते हो, जिस दिन आपको कमीशन मिलनी होती है, जिस दिन आपका इंसेंटिव होता है, अगर आप उसी दिन लेट पहुंचते हो तो जिस दिन आपको इंसेंटिव नहीं मिलना, जिस दिन आपको कमीशन नहीं मिलनी, उस दिन तो आप पहुंचोगे नहीं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, हर कस्टमर, हर क्लाइंट पहले यह देखता है कि क्या आफ्टर सेल सर्विसेज मुझे मिलेंगी, और उसके लिए एक पैरामीटर पंक्चुअलिटी का भी था। पंक्चुअलिटी कहां से निकला वर्ड? टाइम मैनेजमेंट से। इसका मतलब अगर हम टाइम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को भी समझें तो डायरेक्ट सेलिंग में हम और अधिक कामयाब हो सकते हैं। जब एक इंसान जन्म लेता है तो भगवान हर बच्चे को एक जैसा समय देता है, 24 घंटे। हम गरीब परिवार में पैदा होते हैं या अमीर परिवार में पैदा होते हैं, मिलेंगे तो 24 घंटे ही। हम वेस्ट में पैदा हुए या ईस्ट में पैदा हुए, मिलेंगे 24 घंटे। हम पढ़े लिखे के घर में पैदा हुए या अनपढ़ के घर में पैदा हुए, मिलेंगे तब भी 24 घंटे। कोई भी जाति हो, गांव हो, शहर हो, हर बच्चे को 24 घंटे ही मिलते हैं एक दिन में। और हम किसी भी उम्र पे चले जाएं, हमारे एक दिन में 24 घंटे ही रहते हैं। इसका मतलब हर किसी को समय तो एक ही जैसा मिला, अब उस समय का सही इस्तेमाल आपकी प्रोडक्टिविटी एंड आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, इंक्रीज कर सकता है, और गलत इस्तेमाल उसको डिक्रीज कर सकता है, उसको घटा सकता है। अगर मुझे जज बना दिया जाए, अगर मुझे मैजिस्ट्रेट बना दिया जाए, तो मैं सबसे बड़ा कातिल उसे कहूंगा जो समय का कत्ल करता है, जो समय को मारता है। टाइम इज मनी, बहुत देर से सुन रहे हैं हम, पर दोबारा सोचिए, क्या टाइम मनी है? क्या समय पैसा है? पैसे को हम दोबारा कमा सकते हैं, पैसे को हम सेव कर सकते हैं, पैसे को हम किसी से बोरो कर सकते हैं, उधार मांग सकते हैं, लेकिन समय तो जितना मिला है उतना ही हमारे पास है। जो निकल गया निकल गया, इसे हम सेव नहीं कर सकते, इसे हम किसी से उधार नहीं मांग सकते। एक दिन में 24 घंटे। अगर मैं समय का कत्ल करने वाले को कातिल ना भी कहूं तो आने वाली जनरेशंस आपको कहेंगे कि आपने समय को नहीं मारा, अपने आप को मारा है, खुद को कत्ल किया है, और उसे हम कहते हैं आत्महत्या, सुइसाइड। अगर आप समय का कत्ल करते हो, इसका मतलब आप खुद का कत्ल करते हो, और इसे हम आत्महत्या कहेंगे। आओ जानने की कोशिश करते हैं कि समय को किस तरह से सही उपयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका जो पास्ट है, जो दिन निकल चुके हैं, उसमें आप समय को सही इस्तेमाल करते थे? आपको तो यही लगेगा हां करते थे। उसकी ट्रायल करते हैं नेक्स्ट 3 डेज।
एक टाइम लॉग तैयार कीजिए, एक शीट तैयार कीजिए जिसमें हर 15 मिनट में आप क्या क्या कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए। पूरे दिन के 96 पार्ट्स बनेंगे, 15-15 मिनट के 96 पार्ट्स। हर 15 मिनट में आपने नोट डाउन करना है कि क्या आपने किया। उसी में आपका तैयार होने का टाइम, सोने का टाइम, नहाने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, ट्रैवल टाइम, ट्रांजिट टाइम, फोन करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना और बिजनेस अपॉइंटमेंट्स। 3 दिन के बाद आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि कितना समय बीच में ऐसा था जो नष्ट हुआ है। अब वो समय नष्ट क्यों हुआ उसको जानने की कोशिश करें। जब आपने टाइम लॉग बनाया, जब आपने समय का लॉग बनाया, तो आपको इतना तो आइडिया हो गया कि समय नष्ट होता है, लेकिन शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि कहां कहां नष्ट हो रहा है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। पहला जो रीजन है वो है लैक ऑफ प्रायोरिटीज। आप दिन भर के जो काम हैं उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। कई बार इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाते हैं और लेसर इंपॉर्टेंट काम आप कर जाते हैं। कुछ ऐसे काम है जो करने भी नहीं होते, उनको आपने पहली प्रायोरिटी दे दी। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे वो शायद मिस करने पड़े। रोज एक लिस्ट बनाइए, जितने भी आपके 24 घंटे में करने वाले काम हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। पहले वो काम जो हर हालत में करने ही हैं, गॉट टू डू, जिनके बिना नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अपॉइंटमेंट्स, ऐसे कामों के आगे नंबर 1 लिख दीजिए कि ये काम करने ही हैं। दूसरे हैं जो कर लेने चाहिए, नीड टू डू, अगर मिस हो गए, अगर छूट गए तो चल भी सकता है, तो ऐसे कामों के आगे लिख दीजिए नंबर 2। तीसरे नंबर पे आएंगे जो आप करना चाहते हैं, इतने जरूरी भी नहीं है, इतने अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है करने की। कल तक या परसों तक अगर उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए तब भी चलेगा, वहां लिख दीजिए नंबर 3। और 4 नंबर पे आएंगे जिनको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल करने ही नहीं है, तो ऐसे कामों को लिस्ट बनाने के समय ही काट दीजिए। तो आपके पास 4 प्रायोरिटीज आ गई। पहले जो काम हर हालत में करने हैं, गॉट टू डू, दूसरे जिनको कर लेना चाहिए, नीड टू डू, तीसरा जो आप करना चाहते हैं, वांट टू डू, एंड चौथा जिनको करने की जरूरत नहीं है, नॉट टू डू। काम कैसे होंगे? आपकी लिस्ट तैयार हुई, बिजनेस अपॉइंटमेंट्स, घर की सब्जी लानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, एटीएम से पैसे निकालने हैं, टीवी न्यूज देखनी है, कुछ सीरियल देखना है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, इनको अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए। हो सकता है किसी दिन घर की सब्जी 2nd नंबर पे आए, या हो सकता है किसी दिन घर की सब्जी 3 नंबर पे आए, हो सकता है घर की सब्जी 4 नंबर पे आए, और आपको ऐसा भी दिन मिलेगा जब घर की सब्जी लाना नंबर 1 पे होगा। तो ऐसे ही बिजनेस अपॉइंटमेंट्स, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना, आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। आपको थोड़ा सा हैरानी नहीं हो रही मेरी बात सुनके कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं और बीच में घर की सब्जी लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल लाना, ये सब बातें भी क्या हमें करनी होंगी? हम किसी और से नहीं करवा सकते? हम सर्वेंट नहीं रखेंगे? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के लोग
वो सब काम करेंगे जिनमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है, जिसमें आप घर से बाहर हैं, जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो सारे काम आप खुद ही करेंगे। और जिसके लिए आपने एम्प्लॉयज रखने हैं, वो बैक ऑफिस के काम हो सकते हैं, क्लैरिकल काम हो सकते हैं, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, लेकिन जहां पर भी पब्लिक इंटरेक्शन है वो सारे काम खुद कीजिए। हो सकता है आप बिजली का बिल भरने गए और जिस क्यू में खड़े हैं आपके आगे और पीछे के लोग आपके क्लाइंट बन जाएं। आप एटीएम से पैसे निकलवाने गए, जिस क्यू में खड़े हैं आगे और पीछे के लोग आपके क्लाइंट बन जाएं। सब्जी लेने गए, सब्जी वाला या दूसरे कस्टमर्स, वो भी तो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। आपके लिए तो पूरी दुनिया क्लाइंट है, इसलिए मैंने उन कामों को भी आपके रोजमर्रा के काम में डाला है। दूसरा जो टाइम वेस्टर है वो है दिन में जो समय की डिवीजन है उसको सही ढंग से नहीं किया जा रहा। हमने डिस्कस किया कि हमें लाइफ में 6 एरियाज में ग्रो करना है, सेहत, परिवार, समाज, प्रोफेशन, दिमाग और आध्यात्मिक। आप देखेंगे कि डेली रोज हर एरिया ऑफ ग्रोथ एक अलग टाइम मांगता है। किसी दिन आपकी जो सेहत, एक्सरसाइज करनी, वर्कआउट करने, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। किसी दिन हो सकता है परिवार में समय बिताना ज्यादा रिक्वायर्ड हो, समाज में समय बिताना ज्यादा रिक्वायर्ड हो। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज मिस करनी पड़े, परिवार में समय ना दे पाओ और बिजनेस के ऊपर ज्यादा समय दो। तो ये 6 एरियाज को प्रॉपरली डिवाइड करना है डेली। नेक्स्ट टाइम वेस्टर बात करें, और क्या टाइम वेस्ट करता है आपकी लाइफ में? इम्प्रॉपर गोल सेटिंग। सही तरीके से अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया, सही तरीके से अगर आपने अपना लक्ष्य तैयार नहीं किया, तो आप बार बार अपने समय को नष्ट करेंगे। असफलता का त्याग, अगर उसमें आप दोबारा जाएं तो आपको वहां पर एक अल्टीमेट गोल के बारे बताया गया कि अल्टीमेटली आप कहां पहुंचना चाहते हो। तो आप सबसे पहले अल्टीमेट गोल तैयार कीजिए। अल्टीमेट गोल, जब हमने इस दुनिया से जाना है उस समय हम क्या होंगे, या हमें उस समय क्या होना चाहिए। अल्टीमेट गोल के बाद आप एक लॉन्ग टर्म गोल तैयार कीजिए। आज से 20 साल के बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं, 10 साल के बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, 5 साल के बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, 1 साल के बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, और उसमें से निकलेगा शॉर्ट टर्म गोल। आफ्टर 9 मंथ्स कहां होंगे, आफ्टर 6 मंथ्स कहां होंगे, और उसमें से निकलेंगे इमीडिएट गोल्स कि आने वाले 3 महीनों में आप क्या करना चाहते हैं, आने वाले 1 वीक में क्या करना चाहते हैं, आने वाले 1 दिन में क्या करना चाहते हैं। कंप्लीट प्लान कीजिए। अपनी मेमोरी के ऊपर, अपनी स्मरण शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, कितना भी तेज दिमाग हो आपके पास, क्योंकि एक भी चीज का भूल जाना डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल को बहुत कॉस्ट करता है, बहुत महंगा रहता है और आपको स्ट्रेस भी देता है साथ साथ। अरे, आपके पास सेलफोन्स हैं, अपने सेलफोन को एज ए पर्सनल सेक्रेटरी यूज कीजिए। हर अपॉइंटमेंट उसमें रिकॉर्ड कीजिए, अलार्म लगाइए। चांस क्यों छोड़ते हैं आप भूलने का,
हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट ट्रेट, एक बहुत अच्छी आदत, कमिटमेंट, कि अगर आप कमिटेड हैं तो रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ओवर कमिटेड हैं तो दिस इज ए टाइम वेस्टर। ओवर कमिटमेंट क्या है? ओवर कमिटमेंट है जो काम आपकी समर्था से बाहर दिखाई दे रहा है, जिस काम को आप अभी नहीं कर सकते, वहां पर आप कमिटमेंट नहीं कीजिए। एकदम हां बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम यस बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ना भी बोल सकते हैं। कोई काम पकड़ लिया, आपको पड़ोसी ने कहा कि उसके बच्चे को स्कूल पहुंचाना है और आपने झट से कह दिया हां। आपने हां इसलिए कह दिया कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम ने भी आपको सिखाया था। लेकिन यहां पर इसीलिए मैं इस कॉशन को दे रहा हूं, मैंने बोला था आपको 95% मेरी इंस्ट्रक्शंस, 5% आपकी इंटेलिजेंस। अगर आपने उसको हां बोल दिया तो ऐसा ना हो कि जो आपका पूरे दिन का स्केड्यूल था उसमें वो फिट ही नहीं हो पाए और आपको एक अलग से स्ट्रेस मिले कि आप इसको ना कैसे बोलनी है। आप पोलाइटली, ह्यूमिलिटी के साथ इनकार कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको एक और कॉन्ट्रोवर्सी दिखाई नहीं दे रही कि एक तरफ तो मैं आपको कह रहा हूं कि लोग भगवान का रूप होते हैं, दूसरी ओर मैं बीच बीच में कुछ डाउट्स भी क्रिएट कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो बिना बुलाए आपके पास आते हैं, जो आपके साथ गप्पे हांकना चाहते हैं, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं। उन लोगों को अवॉइड करना है, यही कॉन्ट्रोवर्सी है। अगर सभी लोग भगवान का रूप हैं तो कुछ लोगों को अवॉइड क्यों करना है? माय डियर फ्रेंड्स, अपनी तीसरी आंख खोलिए। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो देवता के कपड़े पहन के आएंगे लेकिन अंदर से शैतान होंगे, राक्षस होंगे। उनको पहचानो, वो भगवान है नहीं, वो भगवान के रूप में आपके पास आने की कोशिश करके आपकी सक्सेस को खराब कर रहे हैं, आपको फेलियर्स की ओर लेके जा रहे हैं। उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उनको प्यार से अपने से दूर रखना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है। हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की बात भी की है, आपको दो लोगों में से एक को एलिमिनेट करना होगा, दो लोगों में से एक को छोड़ना होगा, जो पंक्चुअल हैं या जो पंक्चुअल नहीं है, जो टाइम का आदर करते हैं और जो टाइम का आदर नहीं करते हैं, जो पॉजिटिव हैं या जो नेगेटिव हैं, जो आपको सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं या जो आपको फेलियर्स की ओर लेके जा रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो दोनों में से एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो व्हाई नॉट नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट किया जाए। ऐसे ही जब टाइम की मैनेजमेंट करते हैं तो ऐसे सभी लोगों को आपने अवॉइड करना है जो आपके समय को नष्ट करते हैं। आज के टाइम में मैं एक और टाइम वेस्टर देख रहा हूं, वो है आपके सेलफोन में आने वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस। भेजने वाला शायद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी तक नहीं सुन पाया, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मैसेजेस को फॉरवर्ड करके। आपने तो यह ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन लिया, आप उन मैसेजेस को रिसीव करते हो, पढ़ने में टाइम लगाते हो और उसके बाद डिलीट करने में टाइम लगाते हो। अगर आपके काम के मैसेजेस हैं तब तो यह ठीक है, नहीं तो प्यार से सेंडर को बोल दीजिए कि तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन
मेरे ऊपर एक परोपकार कर, मुझे फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजा कर. अगेन यूज योर इंटेलिजेंस. ऐसी फॉरवर्डेड ईमेल्स, मेरे जंक बॉक्स में ऐसी मेल्स नहीं है, मेरे सेलफोन में ऐसे मैसेजेस नहीं है. मैंने प्यार से हाथ जोड़ के लोगों को रिक्वेस्ट कर दी, लोगों ने भेजना बंद कर दिया. ये सेलफोन्स आपकी कन्वीनियंस के लिए हैं, आपकी सहूलियत के लिए हैं. कॉलर की सहूलियत आपके बाद में है. कहीं ऐसा तो नहीं आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, बीच में आपका सेल रिंग कर गया. चाहे आपने नहीं सुना, स्टिल जो बात टूट गई वो पता नहीं कितना कॉस्ट करेगी. मेरी तो एडवाइस है कि जब आप बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं तब सेल को वाइब्रेशन पर भी नहीं लगाइए, इसको ऑफ कर दीजिए. क्योंकि आपके पॉकेट में पड़ा सेल जब वाइब्रेट करता है तब भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है. एक और टाइम वेस्टर मेरे दिमाग में आ रहा है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है चीजों को उनकी सही जगह पर ना रखना. आपने देखा होगा कि रोज कितना टाइम बर्बाद हो जाता है चीजें ढूंढने में. यहां वॉलेट रखा था यार, ओहो कहां गया, शायद अलमारी में होगा. अलमारी में तो मैंने परसों रखा था. अरे मेरी घड़ी कहां पर है, पेन तो शायद कोट में होगा, बैग में होगा, शूज की जगह फिक्स नहीं है. हर चीज की जगह फिक्स कर दीजिए. ऑफिस का सामान, स्टेशनरी, पेन, घर का सामान, वॉलेट, घड़ी, रिंग, चश्मा, किताब, कपड़े, शूज, इवन आपके किचन का सामान. जो चीज जहां पर फिक्स करोगे उसकी जगह उसी जगह पर रखनी है. आप आंखें बंद करके घर में किसी को इंस्ट्रक्शन दो कि मेरी अलमारी में लेफ्ट ड्रॉअर के नीचे मेरी स्पेक्स पड़ी हैं, वो निकाल के देना. ऐसा नहीं कि पूरे दिन में आपने 5 मिनट बचाए. आप 5 मिनट को मल्टीप्लाई कीजिए 365 के साथ, तो एक साल में कितने मिनट आपने सेव कर लिए केवल चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में. मैं आपको परफेक्शनिस्ट बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको डिसिप्लिन्ड होने के लिए बोल रहा हूं, अनुशासित होने के लिए बोल रहा हूं. अपने हर रूम में, बाथरूम में, वॉश बेसिन के ऊपर, किचन में, लॉबी में, एवरीवेयर एक एक क्लॉक लगा दीजिए ताकि आपको समय की रोज की प्लानिंग करने में कोई मुश्किल ना आए. अनप्लैंड मीटिंग्स, अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स, एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए. मीटिंग शुरू हो गई और अभी आप नहीं जानते हो कि इसमें क्या क्या चाहिए था, क्या क्या बोलना है, एजेंडा क्या होना चाहिए था, कौन से लोग कहां पर बिठाने हैं, उनको कौन से क्वेश्चंस करने हैं और उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से होंगे. पूरी चेकलिस्ट तैयार कीजिए ताकि जो आपकी मीटिंग्स हैं वो अनप्लैंड ना रहें, अनऑर्गेनाइज ना रहें. अनप्लैंड शॉपिंग, चाहे वो आपकी किचन की है, ग्रॉसरी की है या फिर आपके बिजनेस की है, पूरा प्लान कीजिए. एग्जाम्पल देता हूं आपको, अपनी किचन में एक पेपर स्टिक कर दीजिए, जो भी आइटम रोज खत्म होती है आपकी मेड या घर का मेंबर जो भी किचन में है वो वहां पर नोट करता जाए. और पूरे महीने की शॉपिंग एक ही दिन कीजिए. रोज आपको याद आ रहा है आज ऑयल खत्म हो गया, आज नमक खत्म हो गया,
आज बादाम नहीं है, अरे आटा ही खत्म हो गया। टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस भी दे रहे हो और बिजनेस कॉस्ट। कितना टाइम तो हम एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने में लगाते हैं, लेकिन वो तो जरूरी था ना। अगर हम मार्जिन लेके घर से नहीं चलेंगे तो फ्लाइट मिस हो सकती है, ट्रेन मिस हो सकती है, और अगर हम मार्जिन लेके चलते हैं तो वहां जाके हमें इंतजार करना पड़ता है। परंतु उस टाइम का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कुछ रीडिंग में, कुछ सोचने में, कुछ सुनने में। एक आईपॉड, कोई सीडी प्लेयर, कोई अच्छा मोबाइल फोन अपने पास रखिए, हेडफोन्स लगाइए तो कोई भी ऑडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन लीजिए, किसी धार्मिक गुरु का प्रवचन सुन लीजिए, टेलीविजन। यहां पर सोचने वाली बात है कि टेलीविजन टाइम वेस्टर है या कुछ देता है आपको। यहां पर सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, अगर सही सिलेक्ट कर लिए प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्पफुल होंगे, और अगर प्रोग्राम्स की सिलेक्शन ठीक ना हुई तो दे आर टाइम वेस्टर्स। कभी नींद को प्लान किया आपने? नींद, स्लीप, उसकी प्लानिंग भी कीजिए। एक कोई भी एवरेज अडल्ट 6 to 7 hours अगर प्रॉपर सो लेता है तो 24 आवर्स में उसकी रेस्ट की रिक्वायरमेंट, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं, ओवर स्लीपिंग कभी भी लाइफ में हेल्पफुल नहीं है। ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग एंड ओवर चैटिंग, ये तीनों ही नुकसान देते हैं। ना ज्यादा सोना है, ना ज्यादा खाना है, और ना ही ज्यादा बोलना है। हमने इस प्रोग्राम में हेल्थ डिस्कस की थी, सेहत। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए तो हम बीमार होंगे। जब हम बीमार होंगे तो जितनी देर हम बेड पर रहे, जितनी देर हम काम नहीं कर पा रहे, वो एक टाइम वेस्टर बन गया, हमने समय को बर्बाद कर दिया। तो पहले क्यों नहीं अपनी सेहत का ध्यान रखते? मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, कम से कम उस समय को तो प्रोडक्टिवली यूज कर पाए। कहीं आप गप्पे तो नहीं हांकते, गॉसिप्स? हाँ, किसी जमाने में आप करते होंगे, अब तो आपने इस प्रोग्राम में 22 पॉइंट की प्रेयर भी शुरू कर दी है। आप गप्पे मारने में विश्वास नहीं करते हो। गपबाजी बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है, समय की बर्बादी है। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाली जनरेशन्स में एक नई गाली ऐड की जाएगी, एक नई अब्यूज ऐड की जाएगी, और वो गाली होगी समय का कातिल। अगर आपके बच्चे, अगर आपके जान पहचान वाले, अगर आपके क्लाइंट्स, अगर आपके कोलीग्स आपको ये गाली देते हैं कि समय का कातिल, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी। अब आमदनी कई गुना। इस प्रोग्राम में अभी तक आपने पहले दो स्टेप्स समझ लिए हैं। पहला स्टेप था स्टॉप सेलिंग, बेचना बंद कीजिए और दूसरे स्टेप पे काम कीजिए। दूसरा स्टेप क्या है? स्टार्ट हेल्पिंग एटलीस्ट 4 people a day। कम से कम प्रतिदिन 4 लोगों की सहायता करना।
उन लोगों को आपने कार्ड दिए और उनके कार्ड लिए, ये दोनों प्रोसेस आपने कंप्लीट किए। अब हम थर्ड स्टेप की ओर आना चाहते हैं। थर्ड स्टेप है नाउ स्टार्ट सेलिंग, अब बेचना शुरू कीजिए। अगर आपने दूसरे स्टेप को सही तरह से किया है तो लोगों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत हो चुके हैं, आपके रिलेशंस केवल रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, आप उनके दिल में बस चुके हो। एक दूसरे इंसान के कंपैरेटिवली आपकी जो इज्जत है उसके मन में वो बहुत बड़ी है, एक इमोशनल बाइंडिंग है, क्योंकि आप उसके काम आए थे, उस समय काम आए थे जब उसको और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। अब जबकि आपकी वहां पर एक पोजीशन बन चुकी है, एक रिगार्ड लेवल बन चुका है, एक इज्जत का स्टेटस आपको मिल चुका है, अब आपने क्या करना है? बहुत सिंपल होगा। आप तो सेलिंग तो मैंने आपके लिए एकदम बाय प्रोडक्ट बना दिया है, अपने आप आपके पास आए, केवल थोड़ा सा काम करना है बस। और जो आने वाला टाइम है इस सीडीज के सेट में, वो हम उसी के ऊपर काम करेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू सेल। फर्स्ट स्टेप, मेन हेडिंग क्या है? नाउ स्टार्ट सेलिंग। इसका फर्स्ट स्टेप, नो योर प्रोडक्ट। जो आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज, हर डिटेल, जितना अधिक स्टडी कर सकते हैं उसको कीजिए और लिखते जाइए, पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, कहीं से भी, अपने सीनियर से, कंपनी से, इंटरनेट से, जहां से भी उस प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपके पास के है तो आपके पास सी होगा, के फॉर नॉलेज एंड सी फॉर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास एटीट्यूड है तो आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा, ए एटीट्यूड, सेकेंड ए क्या बोला मैंने, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज वेरी वर्सेटाइल वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है ये। अगर आपके पास स्किल है, जिस स्किल की आप बात करने जा रहे हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास स्माइल होगी, एस फॉर स्किल, एस फॉर स्माइल। और अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, वर्किंग हैबिट्स, आपके पास क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, एच फॉर हैबिट्स, के ए एस एच। और अगर आप के ए एस एच को सी ए एस एच की ओर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस कैश को उस कैश में, सी फॉर कॉन्फिडेंस, ए फॉर एप्टीट्यूड, एस फॉर स्माइल एंड एच फॉर हैप्पीनेस। अगर आप के ए एस एच को सी ए एस एच की ओर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने क्या बोला, नो योर प्रोडक्ट, उसको लिखिए, दोबारा लिखिए, फिर लिखिए, बार बार लिखिए, पूरा काम कीजिए। एक स्क्रिप्ट तैयार होता है किसी मूवी का, किसी प्ले का, या एक गीत लिखा जाता है, एक गाना लिखा जाता है, उसके ऊपर कई कई दिन काम होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मास्टरपीस बनेगा तभी बिकेगा। और आपका नॉलेज, आपने क्या सोचा, एक ही बार देखा और सफिशिएंट है, सेकंड नॉलेज कौन सा चाहिए, अबाउट योर कंपनी। आपकी कंपनी कब शुरू हुई, किसने शुरू की, कितने शहरों में, कितने कंट्रीज में काम कर रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके अलावा और कौन से उनके बिजनेस एरियाज हैं, हर डिटेल आपके पास होनी चाहिए इन राइटिंग, लिखित रूप में।
एंड थर्ड स्टेप ऑफ दिस एरिया, नो योर कंपेटिटर्स. आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी कंपनीज, दोनों का कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम मैगजीन्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सीनियर्स, जहां से भी आपके कंपेटिटर्स का नॉलेज मिलता है वो नॉलेज आप ले लीजिए. ये जो स्क्रिप्ट आपके पास तैयार हुआ, अपना प्रोडक्ट नॉलेज, अपनी कंपनी का नॉलेज और कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनका प्रोडक्ट नॉलेज और उनकी कंपनी का नॉलेज, ये स्क्रिप्ट जो आपके पास तैयार हुआ, ये आपके दिमाग में रट्टा लग जाना चाहिए, क्रैमिंग. कभी भी किसी भी समय आप किसी को अगर एज ए लेक्चर देना चाहो तो हर वर्ड आपकी जुबान पर एक पानी के फ्लो की तरह चले. अब आपने क्या करना है, आपको लोगों से कार्ड्स मिले हैं जिन लोगों की आपने सहायता की थी. अगर आपको कार्ड्स नहीं मिले तो आपने उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका ऑक्यूपेशन तो पूछा ही होगा. इन सब चीजों को आप एक लेजर की तरह नोट डाउन कीजिए. उस लेजर में इंडेक्स बना हो उस व्यक्ति के नाम का, और उस नाम के आगे उसका पेज नंबर. पेज नंबर पे उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले दिन मिली थी वो लिखिए, और उसके बाद के समय में कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिली थी वो भी लिखिए. आपको मालूम होना चाहिए उसका पेट नेम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए उसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे शादीशुदा हैं या अभी शादी होने वाली है, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों के स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टडीज, कंप्लीट डिटेल्स. आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनके घर में कौन बीमार है. आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनके और कौन से बिजनेस इंटरेस्ट हैं या ऑक्यूपेशंस हैं. आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उनके शौक क्या है, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या नीड्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एम्बिशंस हैं, क्या गोल्स हैं. हर नॉलेज आपके पास होना चाहिए. अब मुझे यह नहीं बोलिएगा कि बहुत मुश्किल है. मुश्किल तो है, अगर आसान होता तो हर व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा लेता. एक फेलियर और एक सक्सेसफुल, दोनों में फर्क है कहां पर? अरे यही तो फर्क आ रहा है. जितना मुश्किल एक फेलियर को कोई काम करना लगता है, उतना ही मुश्किल सक्सेसफुल को वो काम करना लगता है. सुबह जल्दी उठना दोनों के लिए मुश्किल है. फेलियर भी नहीं उठ सकता, सक्सेसफुल भी नहीं उठ सकता. मेहनत करनी दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन जो बार बार करता है उसकी आदत हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, उसके करेक्टर का पार्ट बन जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है. जो बार बार सुबह जल्दी उठता है वो उसकी आदत हो जाती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है. कोई भी काम पहली बार मुश्किल होगा, उसके बाद आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा, और उसके बाद बन जाती है आपकी आदत. किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी मुश्किल नहीं है. जितना आप उसके नजदीक होते जाएंगे उतना आप उसके बारे में अधिक जानते जाएंगे. अपने बारे में कम से कम बोलिए, सुनिए अधिक से अधिक. किसी के बारे में उससे पूछना किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप उसके वेलविशर हैं, आप उसके शुभचिंतक हैं. अब ये लेजर आपका बन गया, माइंड इट, ये लेजर आपका सीक्रेट लेजर होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा.
किसी को भी मस्ती में भी नहीं बताना है कि आप इस तरह का लेजर मेंटेन कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन हर चीज आपके दिमाग में रह नहीं सकती। मैंने आपको शुरू में बोला कि आप मेमोरी के ऊपर विश्वास नहीं कीजिए,